नमस्कार दोस्तों, तीन लत इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकती है। आप अपने जीवन में ये कोशिश करें कि कम से कम इन तीन लतों से आप अपने को बचा कर रखें। आज का समय ऐसा समय है जो इंसान अपने आप को अपने लिए और अपने परिवार के लिए जागरूक हो रहा है और हर कोई एक अच्छी जिंदगी, एक खुशहाल जिंदगी जीने में लगा हुआ है। आज का स्टूडेंट अपने लिए बेस्ट चाहता है, आज का इंसान अपने लिए बेस्ट चाहता है, आज का हर नागरिक अपने लिए बेस्ट चाहता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, बिजनेस हो या नौकरी, ऊंचाइयां चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है। ये बहुत अच्छी सोच है और हर आदमी को हक है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। लेकिन आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तीन लत है, आप उसमें कभी मत पड़ना। नंबर एक, शराब की लत या नशे की लत। आज के जमाने में बहुत तरह का नशा हो गया है। 10 में से 7 लोग शराब के नशे के आदि हैं। उनके पास भले ही पैसा ना हो, चाहे उन्हें उधार लेना पड़े, चाहे किसी से मारपीट करनी पड़े, चाहे किसी का खून ही क्यों ना करना पड़े, वो शराब की लत के लिए पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। और आपने समाज में सुना भी होगा कि अमुक शराबी ने अपने बाप को मार दिया, अपने बाप को मार दिया, अपने भाई को मार दिया या उसका खून कर दिया। आप इसमें बिल्कुल ना पड़े, ये आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, ये जीते जी आपको मार सकती है। शराबी लोग जीते तो हैं पर मरे हुए के समान। एक नशेड़ी कभी अपना भला नहीं कर सकता, ना ही अपनी फैमिली का भला कर सकता है। अपनी जिंदगी बर्बाद कर देता है, अपने परिवार का चैन और सुख छीन लेता है। नशे से हमें कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बीमारियों की ओर ले जाता है। नशे में आदमी मारपीट करता है, रेप जैसी घटनाएं करता है, सही ढंग से ड्राइविंग नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति समाज में छोटे बड़े को कुछ नहीं समझता है। छोटे बड़े तो छोड़िए साहब, अपने मां बाप को कुछ नहीं समझता है। आप नशे के बारे में कुछ ना सोचें, बस नशे से दूर रहे। अगर कोई दोस्त आपको सिगरेट देता है या शराब देता है तो उसे किसी कीमत पर ग्रहण ना करें, वरना एक दिन ये सिगरेट आपका जीवन धुआं बना देगी। अगर आप हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो नशे की आदत को हमेशा के लिए बाय बाय कह दें। नंबर 2, जुए की लत। जुए की लत भी इंसान को इंसानियत से दूर कर देती है। हर इंसान को पैसे की जरूरत है और आज का इंसान तो पैसे की तरफ भागा जा रहा है। अगर आपके पास मनी नहीं है तो मेहनत कीजिए, एक सिस्टम से, एक डिसिप्लिन से कोई काम शुरू कीजिए। जुआ खेलकर अमीर बनने की कोशिश ना कीजिए, ये आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। जो लोग पैसे के लालची होते हैं या पैसे के पीछे भागते हैं, वो पैसा कमाने के शॉर्टकट रास्ते ढूंढते हैं और बस उसी में अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी, जब कौरव और पांडव जुआ खेलते थे तो पांडव अपना धन, अपना राज्य, खुद पांचों पांडव और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में हार गए थे। जुए का इससे घिनौना उदाहरण संसार में दूसरा नहीं मिलेगा, जहां अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया था। जुआ खेलने से आज तक कोई अमीर नहीं बना है। आप फिल्मी बातों पर ना जाएं। अगर कोई एकाध व्यक्ति ऐसा भी है जो जुआ खेलने से अमीर बना है तो उसके जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी, उसमें बरकत नहीं आएगी। आपकी मेहनत का जो किया हुआ काम है, जो कमाया हुआ पैसा है, वही आपके काम आएगा, वही आपकी पहचान बनेगा। एक बार आप अगर जुए में हार जाते हैं तो उसे पाने के लिए आप अपने दोस्तों से कर्ज लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं और व्यक्ति की लाइफ बर्बाद होती चली जाती है। वो इस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाता है। जो हारा है उसे वापिस लाना है, उसके चक्कर में वो और भी हारता चला जाता है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऐसा ना करें। नंबर 3, सेक्स की लत। ये भूल है, ये खतरनाक लत है। जो नवयुवक सेक्स के बारे में सोचते रहते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, उनका करियर बर्बाद हो जाता है। वो आगे नहीं बढ़ सकते, ना पढ़ाई कर सकते, ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, बस उनका ध्यान सेक्स में लगा रहता है। वो मोबाइल पर ऐसी वीडियो देखते रहते हैं, बस उसी में खोए रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं।
हर चीज की एक उम्र होती है। जब आपके कैरियर बनाने की उम्र है तब आप कैरियर बनाइए, इसका वक्त भी आएगा, उस पर ध्यान केंद्रित मत कीजिए। जीवन में हर पड़ाव को उसी के हिसाब से जिए। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का एक पड़ाव है मेहनत लगन से अपना कैरियर बनाना है। अगर बिजनेस में कदम रखा तो पहले बिजनेस को सेटल करें, बाकी चीजों का भी वक्त आएगा। ज्यादा सोचकर उसे अपने जीवन का आनंद ना बनाएं। समय पर हर चीज अच्छी लगती है। आपकी शादी हो जाएगी, आप एंजॉय कीजिए, और पत्नी से बड़ा कोई पार्टनर नहीं होता, यह भी याद रखिएगा। धन्यवाद।